में जाएंगे तो एक विषय धातु रस की जो विशेषता है, तो विशेषता यह है कि हमारी खेती करने वाला जो किसान है उसकी अपने तरह के अनुभव है, अपने तरह के अनुभव से पहले ही इन सब बातों का ध्यान में रखता रहा है कि अगर मौसम खराब होता है तो किस प्रकार की फसल को हमको यानी कैसे उसका बचाव करना चाहिए, अगर पानी कम ज्यादा है उसमें किस प्रकार का करना चाहिए और मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, कौन सी फसल बुआई करनी चाहिए। हम कृषि अनुसंधान को अब लेटली बहुत 40-50 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान परंपरागत खेती जिनका अपना अनुभव है वो अनुभव बिना शिक्षा के उसने प्राप्त किया है लगातार खेती, जब से मैं समझता हूँ मनुष्य है, मनुष्य की प्रगति खेती के साथ साथ हुई है, अगर ये खेती ना होती इस प्रकार की तो मनुष्य जीवन वास्तव में तो इस प्रकार से जैसे प्रगति कर रहे हैं शायद ही करता था। तो हम उस अनुभवी किसान की बात को भी ध्यान रखें, देश के मौसम की बात ध्यान रखें, शरीर की आवश्यकता को भी ध्यान रखें, इसका अगर हम रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हम जहाँ आगे बढ़कर के आत्मनिर्भर हुए हैं वैसे ही गुणवत्ता के रूप में अपने उस प्रकार के काम को भी आगे बढ़ा पाएंगे। और जोत छोटी होती जा रही है, छोटी जोत के कारण से परिवार बढ़ रहे हैं, तो हमको एक ऐसा कृषि का मॉडल जिसको एकीकृत कृषि मॉडल ये कह सकते हैं, इसमें भी कुछ नए अनुसंधान नए प्रयोग करने पड़ेंगे। बहुत शुरू हुए हैं खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग शुरू हुआ है, मशरूम फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं मधुमक्खी फार्मिंग शुरू हुई है, कहीं पर बागवानी का भी अच्छा प्रयोग शुरू हो गए हैं। तो ऐसे नए प्रयोग उनको भी हमको साथ में लाना चाहिए और उससे खेती की किसान की जो आय डबल करने का हमारा संकल्प है उसको कैसा पूरा करें इसको जरूर ध्यान करें। अच्छी बात यह है कि हिसार में ही लोहास यूनिवर्सिटी ये भी इसमें काम कर रही है, पशुपालन के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी हम पीछे आज राष्ट्रपति महोदय के साथ जो कल का कार्यक्रम था NDRI करनाल में कार्यक्रम था, तो दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ा काम NDRI के माध्यम से सारे देश भर में हो रहा है, वो एक अपना अलग से फील्ड है। यहाँ महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी हमने करनाल में अलग से बनाई है और सब संस्थानों इंद्राई के जो एक्सलेंस सेंटर्स हैं वो भी हमने बनाए हैं ताकि किसान को कृषि के माध्यम से कैसे उसको आमदनी उसकी अच्छी की जाए, मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत से ऐसे फील्ड हैं क्षेत्र हैं, मैं तो चाहूंगा कि इस पर भी ज्यादा ज्यादा अनुसंधान करके हम आगे बढ़ें। माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा में मुझे खुशी इस बात की कि इतना जो कार्यकाल का अभी तक हुआ है तीसरी बार हरियाणा में आ जा पा रही है, आपका यह लगातार इसी प्रकार का आशीर्वाद आपको हमें मिलता है। हम अपने देश की प्रगति करेंगे ही, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देश के अंदर जो हमारा योगदान हम पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं लगातार इसमें बढ़ेंगे। अभी एक नारा बोला जा रहा था हमारे कुलपति जी ने, तो नारा बोला कुलपति जी ने कि जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान जय अनुसंधान, उनका यहाँ जय पहलवान ये भी जोड़ा जाए।